दोस्तों, जो कहानी आज हम आपको सुनाने जा रहे हैं वो आपने शायद ही कभी सुनी होगी। जिस जगह की कहानी आज हम आपको सुनाने जा रहे हैं उस जगह का नाम भी शायद आप नहीं सुने होंगे अगर आप बिहार से नहीं हैं तो। आज की यह कहानी है शिवहर के माफिया वॉर की, जो ज़्यादा दिनों तक तो नहीं चला लेकिन जितने दिन ही यह गैंग एक्टिव रहा इलाके में उसकी दहशत जोर शोर से सुनाई देने लगी थी। बिहार वो जगह है जहाँ पर बाहुबली की तूती तो खूब बोलती है लेकिन गैंगस्टर जैसे शब्द से यह राज्य अभी भी अनजान है। इसी शब्द को बिहार में एस्टेब्लिश करने की कोशिश किया था संतोष झा और मुकेश पाठक ने, लेकिन डेढ़ दशक के अंदर ही इन दोनों का रुतबा खत्म हो गया। क्या है शिवहर के इन दोनों गैंगस्टर की कहानी, आइए आपको बताते हैं आज के इस वीडियो में। हेलो एंड नमस्कार, मेरा नाम है प्रशांत और आप देख रहे हैं बेजोड़जोरा.com का यूट्यूब चैनल। दोस्तों, बिहार में एक छोटा सा जिला है शिवहर। यह सीतामढ़ी, पूर्वी चंपारण और मुजफ्फरपुर से घिरा हुआ है। यहीं पर दोस्तियां गांव में संतोष झा नाम का एक शख्स रहता था। उसके पिता चंद्रशेखर झा ड्राइवर थे और पास के ही एक रसूखदार आदमी नवल किशोर राय की गाड़ी चलाते थे। उसके परिवार की आर्थिक स्थिति कुछ ठीक नहीं थी, इसीलिए वह बिहार के दूसरे नवयुवक की तरह ही कमाने के लिए हरियाणा चला गया और वहाँ पर एक फैक्ट्री में काम करने लगा। लेकिन कुछ दिन बाद ही संतोष के पिता को नवल किशोर राय ने थप्पड़ मार दिया और जब मामला थोड़ा ज़्यादा ही बिगड़ गया तो वह वापस आ गया और उसी एरिया के नक्सली कमांडर गौरी शंकर झा के साथ जुड़ गया। साल 2001 तक गौरी शंकर झा के सहारे और फिर खुद के रुतबे का इस्तेमाल कर संतोष झा ने वारदातों को अंजाम देना शुरू कर दिया। यहीं से उसके पैर अपराध के दलदल में फंस गया और फिर वह वहां से कभी बाहर नहीं निकल सका। इसी दौरान साल 2004 में उसे पटना में हथियारों के साथ गिरफ्तार कर लिया गया और उसे 3 साल के लिए जेल भेज दिया गया। साल 2007 में 3 सालों के बाद जब वह जेल से बाहर आया तो फिर से गौरी शंकर झा के साथ जुड़ गया, लेकिन 3 साल बाद ही संतोष झा गौरी शंकर झा से अलग हो गया और साल 2010 में वह अपना एक अलग गैंग बना लिया। जो काम वह गौरी शंकर के साथ सीखा था उससे अब वह एक अलग लेवल पर लेकर चला गया। जब संतोष झा ने अपना खुद का गैंग बनाया तो इसमें मुकेश पाठक नाम के एक भरोसेमंद शख्स को अपने साथ जोड़ लिया। मुकेश पाठक का काम रंगदारी से पैसा इकट्ठा करना होता था। जब संतोष झा का गैंग मैदान में उतरा तो इलाके से जितनी भी वसूली गौरी शंकर झा के लिए होती थी वह अब संतोष झा के लिए होने लगा। ऐसे में गौरी शंकर का गुस्सा होना लाजिमी था, लेकिन फिर 15 जनवरी 2010 को हल्ला तब मचा जब संतोष झा ने अपने पिता को थप्पड़ मारने वाले शख्स नवल किशोर राय की हत्या करवा दी। संतोष झा के इस दुस्साहस भरे कदम से गौरी शंकर झा भी हिल गया, लेकिन गौरी शंकर भी अपने वर्चस्व का जलवा देख चुका था, इसीलिए उसे भी तो अपनी सल्तनत वापस चाहिए थी। लेकिन अब गौरी शंकर के पास सिवाय इंतजार और सही समय के अलावा कुछ नहीं बचा था। ये इंतजार चल ही रहा था और अब साल 2010 का बिहार विधानसभा चुनाव आ गया। बिहार में हर बाहुबली और गुंडा चुनाव का बेसब्री से इंतजार करता है क्योंकि ये उसके शक्ति प्रदर्शन का समय होता है। इसी दौरान साल 2010 के बिहार विधानसभा चुनाव में संतोष झा ने 5 पुलिस वालों को मार डाला। शक के आधार पर उसे गिरफ्तार तो किया गया लेकिन सबूत के अभाव में वह जेल से बाहर आ गया। जेल से बाहर आने के बाद वह इस बात को समझ गया था कि कुछ बड़ा करने के लिए अब गौरी शंकर झा को रास्ते से हटाना पड़ेगा, जिसके बाद वह दुश्मनी बढ़ती देख गौरी शंकर और उसके पत्नी को मार डाला। यह बात मालूम सबको हो गया था कि संतोष झा ने ही इस घटना को अंजाम दिया है। इस घटना के बाद संतोष झा मैदान का इकलौता शेर बन बैठा था और उसके कॉम्पिटिशन में अब कोई नहीं था। संतोष झा ने इन सालों में इतनी तेजी से अपराधों को अंजाम दिया कि उत्तरी बिहार के कई जिलों में जैसे कि सीतामढ़ी, शिवहर, मोतिहारी, बेतिया, गोपालगंज, दरभंगा और सिवान में उसके ऊपर हत्या, लूट और रंगदारी के 35 से ज्यादा केस दर्ज हो गए।
ये साल 2010 चल रहा था और बिहार में नीतीश कुमार लगातार दूसरी बार भारी बहुमत से जीतकर बिहार के मुख्यमंत्री बने थे। उस समय नीतीश कुमार अपराध और अपराधियों के लिए जीरो टॉलरेंस की नीति पर काम कर रहे थे, भले ही आजकल वैसा कुछ देखने को नहीं मिल रहा है। इतने सारे केस दर्ज होने के बाद जब संतोष झा के नाम का वारंट निकला तो वह भागना शुरू कर दिया। फाइनली 4 सालों के बाद साल 2014 के फरवरी महीने में संतोष झा को कोलकाता से बिहार एसटीएफ ने गिरफ्तार कर लिया और उसे जेल भेज दिया। लेकिन जेल में रहते हुए भी उसने अपना मूल काम नहीं छोड़ा और रंगदारी वसूलने का काम जारी रखा। जेल से बाहर संतोष झा के इस काम को मुकेश पाठक अंजाम दे रहा था। इसी रंगदारी वाले सिलसिले में अब संतोष झा अपने सहयोगी मुकेश पाठक के द्वारा एक बड़ा हाथ मारना चाहता था। अब वह बिहार के दरभंगा जिले में SH-88 यानी कि स्टेट हाईवे 88 का निर्माण करा रही CNC BSC ज्वाइंट वेंचर कंपनी के 2 इंजीनियर मुकेश कुमार और ब्रजेश कुमार से रंगदारी के नाम पर 50 लाख रुपये का डिमांड कर दिया। जब इन दोनों इंजीनियर्स ने पैसा देने से मना कर दिया तो 26 दिसंबर 2015 को दरभंगा जिले के बहेड़ी थाना क्षेत्र के मवी शिवराम के निकट दिन दहाड़े बाइक सवार बदमाशों ने इंजीनियर मुकेश कुमार और ब्रजेश कुमार को 1K56 से भून डाला। उस दिन गोलियों की तड़तड़ाहट से पूरा इलाका थर्रा उठा था। घटना को अंजाम देने के बाद अपराधी मुकेश पाठक और संतोष झा जिंदाबाद के नारे लगाए। इसके बाद पर्चा फेंककर वह वहां से भाग निकले। ये संतोष झा के गैंग का अब तक का सबसे बड़ा कांड था। जब पुलिस ने इस घटना की जांच की तो रंगदारी वाली बात सामने आई, क्योंकि इस गैंग का सरगना संतोष झा पहले से ही जेल में बंद था, इसलिए अब पुलिस मुकेश पाठक के पीछे लग गई। इस घटना के 1 साल के भीतर ही साल 2016 में मुकेश पाठक को गिरफ्तार कर लिया गया और अब जेल के अंदर ही संतोष झा और मुकेश पाठक दोनों की दुश्मनी शुरू हो गई। मुकेश पाठक को यह यकीन हो चला था कि जेल के अंदर से संतोष झा ने ही अपनी जान बचाने के लिए उसकी मुखबिरी की है, जिसके बाद मुकेश पाठक अब अपने ही गुरु संतोष झा के पीछे लग गया। क्योंकि बीते कुछ सालों में जब संतोष झा जेल के अंदर था तब मुकेश पाठक ने बाहर रहकर अपनी जमीन तैयार कर ली थी और अब हालात कुछ ऐसे बन चुके थे कि संतोष झा से ज्यादा वफादार लोग मुकेश पाठक के पास था। इसी बीच साल 2018 के मार्च महीने में दोनों इंजीनियर्स के हत्या के मामले में कोर्ट ने सजा सुनाया और संतोष झा तथा मुकेश पाठक दोनों को आजीवन कारावास की सजा हुई। संतोष झा और मुकेश पाठक के बीच की दुश्मनी अब बाहर आ चुकी थी, इसीलिए उन दोनों को अलग अलग जेल में रखा गया। लेकिन मुकेश पाठक इस मामले में बिल्कुल साफ था कि संतोष झा को अब रास्ते से हटा देना है। इसके लिए उसे सबसे उपयुक्त जगह लगी कोर्ट में पेशी, जो माफियाओं के गैंग वॉर के लिए सबसे लोकप्रिय जगहों में से एक है। इसके बाद 28 अगस्त 2018 को पुलिस संतोष झा को सीतामढ़ी के डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में एक दूसरे मामले में पेशी पर लेकर आ रही थी। इस समय दिन के 2:45 बज रहे थे। पेशी के बाद जैसे ही संतोष झा बाहर निकला, पेड़ की आड़ से 2 अपराधियों ने फायरिंग शुरू कर दी। खून से लथपथ संतोष झा को सदर अस्पताल लाया गया, जहां डॉक्टरों ने उसे मृत घोषित कर दिया। अपनी पेशी के दौरान संतोष झा 11 पुलिस वालों की सिक्योरिटी के बीच चल रहा था, लेकिन हमलावरों ने जब संतोष झा को शूट किया तो उस दौरान एक भी पुलिस वालों की तरफ से जवाबी फायरिंग नहीं की गई। घटना के समय लापरवाही बरतने के मामले में SP ने 25 पुलिसकर्मियों को तत्काल सस्पेंड कर दिया। इस शूट आउट की जब जांच की गई तो पता चला कि इस घटना में मुकेश पाठक का हाथ है, लेकिन मुकेश पाठक तो पहले से ही जेल में बंद था, तो पुलिस को उसे ढूंढने की आवश्यकता नहीं थी। आवश्यकता थी तो बस उसके फाइल को आगे बढ़ाने की। तो शिवहर का गैंग वॉर यहीं पर खत्म होता दिख रहा था, लेकिन फिर 5 सालों के बाद साल 2023 के मई महीने में इसी गैंग से जुड़ी एक घटना ने प्रशासन को फिर से चौंका दिया। संतोष झा के मरने के बाद जो पुलिस निश्चिंत बैठी थी उसे वापस जगाया राज झा ने।
6 मई 2023 को शिवहर जिले के एक ठेकेदार ओम प्रकाश सिंह का पूर्वी चंपारण में मर्डर हो जाता है। इस घटना के करीब 12 घंटे बाद ही संतोष झा गैंग के स्पोक्स पर्सन राज झा ने मीडिया को पर्चा जारी कर उस हत्याकांड की जिम्मेवारी ले लेता है। उस पर्चे में लिखा होता है कि ओम प्रकाश सिंह कोई ठेकेदार नहीं बल्कि एक अपराधी था और वह मुकेश पाठक का राइट हैंड भी था। संतोष झा की हत्या मुकेश पाठक ने ही करवाई थी। हत्या में जो अपराधी शामिल थे वह घटना के एक दिन पहले ओम प्रकाश के घर पर ठहरे थे। इन अपराधियों को ओम प्रकाश ने ही हथियार उपलब्ध करवाया था। राज झा ने स्वीकार किया कि ओम प्रकाश की हत्या कर संतोष झा की हत्या का बदला लिया गया है और यही हाल मुकेश पाठक का भी होगा। इस घटना के बाद से ऐसा लगता है कि संतोष झा का गैंग वापस से एक्टिव हो गया है और मुकेश पाठक के जेल में रहते हुए भी उसका गैंग बाहर एक्टिव है। तो कुल मिलाकर बात यही है कि शिवहर के एक जनरेशन का माफिया वार तो शुरू होते ही खत्म हो गया, लेकिन अब राज झा के वापस आने के बाद मुकेश पाठक और उसके गैंग के ओर से वर्चस्व की जंग अगर छिड़ी तो संभव है कि बिहार का यह छोटा सा जिला एक बार फिर से माफियाओं के लिए सबसे मुफीद जगह बन जाएगा। इन सब के अलावा मुकेश पाठक की एक और कहानी है जो है उसके लव लाइफ की, और यकीन मानिए माफियाओं की लव स्टोरी बहुत ही ज्यादा रोमांचक होती है, इसलिए हम उसे अगले वीडियो में देखने वाले हैं। तो यही थी गैंग्स ऑफ शिवहर की पूरी कहानी। यह जानकारी आपको कैसी लगी हमें कमेंट में लिखकर जरूर बताइए। अगर आप शिवहर, सीतामढ़ी, दरभंगा या मुजफ्फरपुर से बिलोंग करते हैं तो अपनी उपस्थिति कमेंट बॉक्स में जरूर दर्ज करवाइए। हम जल्दी मिलते हैं आपसे एक नए कहानी के साथ। अंत में एक और ज़रूरी बात, हमने बेजोड़ जोड़ा का एक टेलीग्राम चैनल भी बनाया है जहां आपको हमारे सारे वीडियोस के लिंक सबसे पहले मिल जाएंगे, इसलिए आप लोग टेलीग्राम पर भी हमसे जुड़ें। टेलीग्राम पर हमसे जुड़ने के लिए सिंपली आप टेलीग्राम ऐप के सर्च में जाकर बेजोड़ जोड़ा लिखिए और चैनल पर जाकर ज्वाइन बटन क्लिक कर दीजिए, आप हमसे जुड़ जाएंगे। यह वीडियो अगर आपको पसंद आया तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें। आने वाले वीडियोज़ के लिए बेजोड़ जोड़ा को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को टच करना ना भूलें। थैंक यू सो मच।